वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर झांसी से है, जहां पर वार्ड नंबर 50 डलियापुरा बस्ती में रहने वाले लोगों ने मीठे पानी की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। बता दें कि पहले खारा पानी को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ चुका है, और अब मीठे पानी को लेकर वहीं समाजसेवी महेश कुशवाहा ने मोहल्ले वासियों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। मैडम क्या बात बताएं, क्या समस्या है वार्ड को लेकर आपकी गली गरीब में लेकर, क्या समस्या है? यहाँ समस्या ही समस्या है इस कॉलोनी के अंदर। तो शिव कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, शिव कॉलोनी में इतनी समस्याएं हैं पानी को लेकर कि हम लोग एक साल से ऊपर हो चुका, अभी तक हम लोगों को पानी की कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हुई। 10 जगह हम लोग भटके हैं, और फिर भी लोग ये कहते हैं, जब अधिकारी के पास जाते हैं वो कहते हैं काम चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन अब जरूर अभी 3-4 दिन से हमारे यहाँ के जो महेश कुशवाहा जी हैं उन्होंने थोड़ी सी चला फिरी करके काम करवाया, जिससे हम लोगों को पानी मिला। लेकिन अब हम लोगों को हम लोग तो मीठा पानी नाम को भी नहीं जानते कि मीठा पानी है क्या। समस्या तो कई दिनों से है, लेकिन टैंकर गर्मी में तो टैंकर आते रहे, लेकिन 15 अगस्त के बाद से कोई ना टैंकर, ना कोई जन सुनवाई, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार था। हमारे हस्बैंड ने लगातार कई बार मेडिकल लगाया, छुट्टी भी ली, ऑफिस गए, जय ही बोलते थे कि बिल के नाम पे हमने बोला पेमेंट करते हैं तो आप लोग उस समय कुछ नहीं कहते, हमें तो पानी चाहिए, तो जय ही बोलता कनेक्शन कटवा लो, आपको कोई बिल नहीं आएगा। तो इन्होंने मतलब जल संस्थान जाके प्रयास किया, एक्सचेंज वगैरह भी, जेई वगैरह भी आए मोहल्ले में, उन्होंने हम लोगों से पूछा और 2-3 जगह पर उन्होंने खोदा, लेकिन पानी उस समय वहाँ नहीं निकला। फिर 3-4 जगह और खोदा उन्होंने, तब एक जगह फॉल्ट समझ में आई तो ये बहुत मोटी जड़ निकली उसमें। मैडम क्या बात है, क्या वही खबर महोबा के कबरई से है, जहां पर डुप्लीकेट खाद की भरी हुई पिकअप गाड़ी मुखबिर की सूचना पर कबरई पुलिस ने पकड़ ली है। एक तरफ सरकार किसानों की फसल खराब हो जाने के कारण मुआवजा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ नकली खाद ब्लॉक करने वाले माफियाओं के हौसले काफी बुलंद है। पूरा मामला महोबा के विकास खंड कबरई का है। वही खबर इटावा के कस्बा जसवंत नगर से है, जहां पर जाम की झाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद रोडवेज बस ऊपर से ही निकलती थी, जिससे कस्बे में रहने वाले लोगों को परेशानियां हो रही थी। बता दें कि समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र प्रबंधक ने ड्राइवरों को आदेश दिया कि सारी बसें फ्लाईओवर के नीचे से ही जाएं, साथ ही चेकिंग कर कार्रवाई भी की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद क्षेत्र के काना रॉयल पैलेस में ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार बरेली ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। प्रतियोगिता में अनेक स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। बताना चाहेंगे कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, एसपी सिटी प्रवीर रंजन, सीओ गजेंद्र पाल सिंह, एसडीएम विजयवर्धन तोमर रहे। वहीं व्यापारी नेता कपिल अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एडीजी राजकुमार को शॉल ओढ़ाकर और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वही खबर चित्रकूट से है, जहां पर अयोध्या से चलने वाली भारत यात्रा श्रीराम की तपस्थली रामघाट चित्रकूट पहुंची है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल के उत्तराधिकारी कमल नंदास की अगुवाई में सैकड़ों साधु संत भजन गाते हुए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने फूलमाला और तिलक लगाकर यात्रा में आए साधु संतों से आशीर्वाद दिया, और इसके बाद अग्रहरी धर्मशाला में रात्रि विश्राम को यात्रा रवाना हुई। शाम जब 14 बजे वनवास के लिए चित्रकूट आए थे, यहाँ 11.5 साल तक चित्रकूट में रहे थे, लेकिन भरत जी जो है मनाने के लिए जब राम जी को चित्रकूट आए तो इसी जगह पर उन्होंने जन पाठिका दी थी। सबने संतों के द्वारा हमारे पूजनीय श्री श्री एकाचार्य श्री नृत्य गोपाल दास जी के नेतृत्व में ये संतों के द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई। तो आज 50वीं ये भरत यात्रा है, इसमें भरत अयोध्या से कई भक्तगण और संतगण पूजनीय महाराज से कमल नेता जी के नेतृत्व में आज ये भरत यात्रा आ रही है। अयोध्या से भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट प्रतिवर्ष भगत यात्रा आती है, उनके साथ में बहुत से लोग संत महंत महाराज जी राम कमल नंदा जी महाराज जी आते हैं, और इसके पूर्व नृत्य गोपाल दास जी यात्रा लेकर आते रहे,
ये भ्रातृत्व भाव को देश में प्रसिद्ध करने के लिए सब जगह एक सुंदर भावना फैले, जो आज भाई भाई में जो व्यवहार चल रहा है, परस्पर विवाद चल रहा है, उसको मिटाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए, अध्यात्म को प्रसिद्ध करने के लिए, धर्म की जागृति के लिए प्रतिवर्ष ये यात्रा जिस प्रकार से भर किया है, उसी तरह से। वही खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां पर नगर पंचायत में साफ सफाई की खराब स्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू के साथ जुलूस निकाला है और जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि जुलूस आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया है। वह जुलूस में शामिल कार्यकर्ता और नागरिक मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जांच की मांग आदि नारे लगाते चल रहे थे। खबर मुंबई से है, जहां पर मुंबई के अमरनाथ इलाके में हो रही बैलों की दौड़ को लेकर दो पक्षों के विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग हो गई। बता दें कि यह घटना अमरनाथ एमएसआई डीसी के सुदामा होटल के पास की घटना जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस वीडियो के आधार पर इस घटना की छानबीन कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग का आयोजन किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने किया है। वह इस मौके पर यूनियन के कार्यकर्ताओं के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जनपद में अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख एसएसपी अमिताभ ठाकुर का आगमन हुआ है। वहीं अधिकार सेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमिताभ ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। अधिकार सेना के प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा चलाकर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनावों में सभी जनपदों में अपना प्रत्याशी घोषित करने की बात कही। स्थानीय स्तर पे क्या कार्य हो रहे हैं, जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उनमें हमारे प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, राजनीतिक रूप से क्या सक्रियता है, इन बिंदुओं पर देखने पार्टी के उद्देश्यों को यहाँ प्रसारित करने के लिए हम फिरोजाबाद आए हैं। साथ ही इससे पूर्व हम इटावा और मैनपुरी गए थे, जहाँ मैनपुरी के लिए हमने श्री रौली यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। स्थानीय स्तर पे क्या कार्य हो रहे हैं, जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उनमें हमारे प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, राजनीतिक रूप से क्या सक्रियता है, इन बिंदुओं पर देखने पार्टी के उद्देश्यों को यहाँ प्रसारित करने। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर वार्ड नंबर 62 की जनता पम्मी किन्नर से बहुत खुश है और सबकी यही दुआ है कि वार्ड नंबर 62 से पम्मी किन्नर जीते। बता दें कि पम्मी किन्नर जब लोगों से जनसंपर्क करने गई तो जनता बहुत खुश हुई, यहां तक कि बच्चे नाचकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, साथ ही उनके लिए जोशीले नारे भी लगाए गए। पब्लिक ने मुझे रुझान क्या दिया, जब मैं गली गली गई तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है और जगह जगह डेंगू बीमारी फैल रही है और जरा भी विकास नहीं निकलने का, बहुत माँ के लोग मजबूर है और बहुत ज्यादा परेशान है। और मेरे जो नंबर है वार्ड नंबर 62 है ना, जिससे मैं खड़ी हुई हूँ इलेक्शन पे चुनाव पे, उसकी ज्यादा ही स्थिति खराब, मत कोई विकास नहीं है, ना ही कोई लट्ठे है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।